आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। थाना शमशाबाद क्षेत्र में स्कूल में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। होली के त्यौहार पर हरियाणा से ड्रामों में शराब लाकर केमिकल और पानी मिलाकर शराब बनाने का कारोबार चल रहा था। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने 10 शराब तस्करों के साथ साथ अधबनी शराब और लाखों की नकदी भी बरामद कर ली है। होली के मौके पर जहरीली शराब पिलाने की तैयारी की जा रही थी। ऐसी शराब जिससे लोगों की जान भी जा सकती थी, लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने की तैयारी चल रही थी। बड़े पैमाने पर जहरीली शराब तैयार की जा रही थी। थाना शमशाबाद पुलिस ने शमशाबाद इरादनगर रोड गली झानसिंह में जब एक विद्यालय में छापा मारा तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गईं। शिक्षा के मंदिर में मौत बांटने का खेल चल रहा था। हरियाणा से तस्करी कर शराब को ड्रमों में लाया जाता था और उसके बाद केमिकल मिलाकर शराब को तैयार किया जाता था। ऐसा बताया गया कि काफी लंबे समय से इस काम को किया जा रहा था, लेकिन होली को देखते हुए बड़े पैमाने पर जहरीली शराब गली मोहल्लों में पहुंचाने की तैयारी थी। आगरा ही नहीं, आगरा के आसपास के जिलों में जहरीली शराब को रंगों के त्योहार पर खलल पैदा करने के लिए परोसना था, लेकिन पुलिस पहुंच गई। त्योहार के दृष्टिगत रखते हुए अवैध शराब के संबंध में जनपद स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं और उसी क्रम में SP आर ए ईस्ट के नेतृत्व में हमारी थाना शमशाबाद की टीम ने, सर्विलांस की टीम ने और जो है क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग की टीम ने एक बहुत अच्छा कार्य किया है, जिसमें एक अवैध शराब फैक्ट्री जो संचालित हो रही थी थाना शमशाबाद के गांव ठेराई में के पास एक SNLD स्कूल है, उस स्कूल के परिसर के पीछे कमरों में जो है एक बृहद पैमाने पर शराब फैक्ट्री संचालित हो रही थी, उसका भंडाफोड़ किया है और वहाँ से तकरीबन जो है 5000 लीटर के आसपास कुछ बने हुए अर्धनिर्मित और कुछ स्पिरिट जो है वो बरामद की गई है। मौत के इन सौदागरों को पुलिस ने दबोच लिया। 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कृष्ण खान शर्मा, बीरेन सिंह तोमर, अरविंद, अशोक कुमार, कृष्ण कुमार, गोपाल, रूपेश, मोनू मुदगल, टीकम और अंकुश शर्मा को गिरफ्तार किया गया है, जबकि भोला और देवीराम फरार चल रहे हैं। वहाँ से कुल 10 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं जो इस प्रकार इस फैक्ट्री को संचालित कर रहे थे और 2 व्यक्ति फरार हुए हैं। इन सभी अभियुक्तों से पूछताछ की गई है और उसके बाद जो भी जानकारी प्राप्त हुई है उसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं ताकि अन्य चेन में अन्य जो अभियुक्त शामिल है उनको गिरफ्तार किया जा सके। ये चूँकि त्यौहार होली के दृष्टिगत जो है खपत ज़्यादा होती है और इस प्रकार से इन्होंने अभी बिजनेस शुरू किया है। 10 जो है अभियुक्तों में से कुछ लोगों के आपराधिक इतिहास भी हैं जो पूर्व में इसी अवैध शराब की तस्करी और फैक्ट्री बनाने में जो है इनके ऊपर मुकदमा था, जेल भी गए थे और पुनः जेल से आने के बाद इस प्रकार का कार्य इन्होंने प्रारंभ किया। मौत के सौदागर शिक्षा के मंदिर में गोरख धंधा कर रहे थे, लेकिन थाना शमशाबाद पुलिस और इंटेलिजेंस के साथ सर्विलांस की टीम की नज़र इस गोरख धंधे पर पड़ गई। होली से पहले इन छात्रों को दबोच लिया, अन्यथा ये छात्र खुशियों भरे रंगों के त्योहार पर कई घरों में मातम मचवा सकते थे। देखिए ये जो है इथेनॉल जो अल्कोहल है उसको हरियाणा से ड्रम्स में खरीदते थे और यहाँ स्कूल के पीछे एक RO प्लांट लगा हुआ है जिसमें पानी वहाँ से लेकर मिक्स करके केमिकल के माध्यम से उसको शराब में परिवर्तित करते थे और उसकी बॉटलिंग करके जो है जो आसपास के जनपदों में जो इनके लोग हैं, जो इनके कनेक्शंस हैं, उनको बेचा करते हैं। अब सवाल ये उठता है, आखिर ये गोरख धंधा किसकी सेह पर चल रहा था? पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है। गोरख धंधा करने वाले लोगों के तार कहां कहां जुड़े हुए हैं? शमशाबाद से अपने साथी श्यामवीर सिंह और मनीष शर्मा के साथ उमेश शर्मा, सी न्यूज़, आगरा।